दोस्तों, आपने अभी एक गाना सुना होगा, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल पर चौकीदार नरेंद्र मोदी जी हो गया है और ये एक कॉलर ट्यून है और ये बहुत फेमस हो रही है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल पर ये कॉलर ट्यून लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो मैं ये टिप्स आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने कॉलर ट्यून कैसे लगा सकते हैं, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। इसके लिए आपको चलना होगा मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आप तक पहुंच जाएगा और आप हमारे चैनल का कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं वहां भी अच्छी अच्छी पिक्चरें अपलोड करती रहती हूँ और बताती रहती हूँ कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाके आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें। और आपको लेके चलती हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, उसके पहले मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगी कि ये किसी पार्टी का प्रचार नहीं है, ये सिर्फ एक टिप्स है कि हम अपने मोबाइल पर मैं भी चौकीदार हूं कि कॉलर ट्यून को कैसे लगा सकते हैं। तो जो भाई लगाना चाहे वो लगाएं, लेकिन प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में कोई ऐसा कमेंट्स ना करें और जिससे मुझे भी यार हल्ट हो प्लीज। तो चाहिए चलती हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर, आपको देखती हूँ मैं भी चौकीदार हूँ कि कॉलर ट्यून कैसे लगाते हैं। सिंपल अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गई हूँ और यहाँ पर अपने को मैसेज पर आना है। मैसेज पर क्लिक करने के बाद, ये टाइप करने के बाद आपको मैसेज पे लिखना है चौकीदार। तो चलिए मैं टाइप कर लेती हूँ। और ये देखिए, जैसे मैंने ये टाइप किया है, ये देखिए आपको ऐसे इस तरीके का ये मैसेज दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप ये देखिए यहाँ पर इसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं चौकीदार, आप इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप इसे सारी देखिए ये सारी चीज़ समझ लीजिएगा। प्लीज़ रिप्लाई ऑफ दिस SMS विज दी ऑप्शन नंबर ऑफ योर चॉइस, आपको जो भी इसमें से लेना है वो नंबर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर पर मैं भी चौकीदार हूँ का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो अपने को यहाँ पर सिंपल टाइप करना होगा 5 नंबर। तो चलिए 5 नंबर टाइप कर लेते हैं और सेंड पर क्लिक करना है। तो मुझे जियो ट्यून है ना, तो जियो से सेंड पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद देखिए आप यू हैव सिलेक्ट मैं भी चौकीदार हूँ एज जियो ट्यून, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए, आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 1 नंबर टाइप करना है, योर चॉइस टू सेट द ट्यून ऑफ आर कॉलर्स। तो अपने को 1 नंबर टाइप करना, तो अपने 1 नंबर टाइप कर लेते हैं और जियो से सेंड कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही इसे सेंड करेंगे यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर मैसेज आ गया है। तो ये मैसेज पर सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा, डियर कस्टमर योर आर रिक्वेस्ट फॉर एक्टिवेशन फॉर जियो टून सर्विस, ठीक है। टू कंफर्म प्लीज रिप्लाई वाई टू दिस मैसेज विद इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर आपको वाई लिख के यहाँ टाइप करना है तो आपका यहाँ पर जियो टून लग जाएगी। चार्ज ₹00 दिखा रहा है, वैलिडिटी 30 दिन की दिखा रहा है। थैंक यू जियो टीम। तो अपने को यहाँ पर जियो टून लगानी है, इसलिए अपने को वाई टाइप करना है। वाई टाइप कर लेते हैं, वाई टाइप करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जियो से अपने को सेंड कर देंगे, सेंड कर दिया। फिर मैसेज आता है अपना, ये देखिए, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये नंबर मैंने यहाँ अपना ब्लर कर रखा है, यहाँ पर आपका कोई चार्ज नहीं है। डीएक्टिवेट, अच्छा एक्टिवेट आपका हो चुका है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको डीएक्टिवेट करना हो तो मैंने एक्टिवेट के बारे में बताया है, डीएक्टिवेट भी आप ऐसे कर सकते हैं। डीएक्टिवेट प्लीज़ कॉल 155223 या SMS स्टॉप टू
5, 6, 7, 8, 9 थैंक यू जियो ट्यून। अगर आपको डीएक्टिवेट करना हो, जब आपका मन करे कि मुझे ये कॉलर ट्यून नहीं लगानी है, तो आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं इनको कॉल करके, या एसएमएस 5, 6, 7, 8, 9 एसएमएस करके आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो आपकी जियो कॉलर ट्यून लग चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ। मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।